सुनोगे सेकंड टाइम आप गाना, ठीक है? ओके हिमांशु है और हम दीपालय एनजीओ से हैं, हमारा हेड ऑफिस जनकपुरी में है। गिटार बजाते हुए हम आपको देख रहे थे। जी सर। तो प्रोफेशन है आपका? जी, आई एम अ म्यूजिक टीचर इन दीपालय। यहाँ पे इस रिलीफ कैंप में भी आप म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं बच्चों? म्यूजिक थेरेपी, ताकि बच्चों को थोड़ा पीस मिल सके, वो उस दंगों से जो ग्रस्त हुए हैं उनके साथ जो टेंशन का माहौल है, बच्चे अभी भी डरे हुए हैं, उनसे उनको बाहर निकालने के लिए म्यूजिक थेरेपी दे रहे हैं। और थ्रू म्यूजिक बच्चों को कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स, और हम थ्रू म्यूजिक बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं। आप म्यूजिक के जरिए बच्चों को एजुकेशन देना चाह रहे हैं, दे भी रहे हैं, और जगहों पे भी आप शो करते होंगे, परफॉर्म करते होंगे, सिखाते भी हैं बच्चों को। जी, यहाँ पे आप सिखा रहे हैं, क्या एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? सर, यहाँ के लिए तो अभी बच्चों को देखिए, सबसे पहले तो कि उनको जिस टेंशन से होके वो गुजर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में सिर्फ ये है कि घर जल गए हैं, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, कुछ बच्चों के फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है, उस दंगों में वो मारे गए हैं, तो उनके माइंड में वही सब बातें हैं। अगर उनसे कुछ भी बात करते हैं तो वो घूम फिर के उसी बात पे आते हैं। तो हमारा मेन मोटिव तो अभी बच्चों को ये है कि वो उस टेंशन से बाहर आ सके, उनको मेंटल पीस मिल सके, ताकि बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। तो कितना कामयाब हो पा रहे हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन कैसा रहता है? देखिए, अभी आप क्लास में थे, आपने देखा होगा बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको उससे 50% भी हम बाहर निकाल पाएँ तो हम सफल हो जाते हैं। पर यह कि बच्चों से जैसे हमने बातें करी हैं तो वो थोड़ा सा उनके अंदर चेंजेस हैं। एंड चेंजेस किस तरह? चेंज ये है कि बच्चे जैसे जब हम स्टार्ट हमने किया था, जब यहाँ पर आए थे उस वक्त बच्चे बहुत डरे हुए थे और उनके चेहरे पर एक डर दिखाई देता था, बट ये कि अब बच्चे थोड़े से नॉर्मल हैं, उन्हें फील हो रहा है कि हम नॉर्मल जगह पे हैं, उनको अगर हम सॉन्ग करा रहे हैं या पोएम्स करा रहे हैं या एजुकेशनली कुछ करा रहे हैं तो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे पता चलता है कि बच्चे थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट यस, हम कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत नेक काम कर रहे हैं आप, आपको बहुत शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।